जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले। कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले, फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है, जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। क्या देखने आई है रानी मां? तुलसी चली गई, अब क्या बचा है इस धरती पर मेरे लिए? ले लेने दीजिए राजा साहब को मेरी 2 बीघा जमीन। उनसे कहिए मेरा यह मकान भी ले ले, मैं गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल करूंगा भगवान से, क्यों इस धरती पर गरीबों के साथ ही अन्याय करता है, क्यों जुल्म ढाता है गरीबों पर ही? क्या तू सबका भगवान नहीं है? सिर्फ जालिमों का और पैसे वालों का भगवान है तू? अगर तू हमारा भगवान होता तो मेरी बेटी की मौत पर यहां बिजली के उन्हें गिरी उन जालिमों पर आप रो क्यों रही हैं मां? आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटी। अकेले? अकेले नहीं, आप दोनों को लेके जा रहे हैं। कहाँ? रानी मंजिल, अब हम वहीं रहेंगे। पिताजी भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं। हम क्यों जा रहे हैं माँ? बस जा रहे हैं, इस हवेली की ऊंची दीवारों से दूर चले जाना ही अच्छा है बेटा। तो क्या फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं। पिताजी से मिलने भी नहीं? बोलिए ना माँ, क्या हम कभी वापस नहीं आएंगे? कह दिया ना कि नहीं आएंगे। गाड़ी तैयार है रानी माँ। किसी को बुलवा के सामान गाड़ी में रखवा दीजिए मामा साहब। जी अच्छा। पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ नहीं जाएंगे आप बेटा? माँ के साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ बेटा बिल्कुल, आप हमारे साथ रहेंगे। रमीला चलो,
आप कहाँ जा रही हैं? रानी मंदिर। प्रमिला और रोजमिला भी हमारे साथ जा रही हैं। आप इन बच्चियों को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? हमारी बच्चियां हमारे साथ जाएंगी। क्या हम जान सकते हैं कि आप किस इरादे से रानी मंजिल जाना चाहती हैं? हमेशा वहीं रहने के इरादे से। जिस इलाके में औरत की इज्जत ना हो वहां से दूर चले जाना ही हमारे लिए अच्छा है। तो जाइए, खुशी से जाइए, लेकिन हमारी बेटियां हमारे पास रहेंगी। न प्रमिला जाएगी और न ही उर्मिला। हम ऐसे वातावरण में अपनी बेटियों को नहीं रहने देंगे। इन पर जितना आपका अधिकार है उससे ज्यादा हमारा अधिकार है। हमने इनको जन्म दिया है, हम इनकी माँ हैं। आप माँ हैं, इसलिए आज तक इस हवेली में इन बच्चियों के साथ रह सकी हैं। अगर आप अपना अधिकार ज्यादा समझती हैं तो आप अदालत में जा सकती हैं। हम वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मालूम है, आप वो भी कर सकती हैं। जब आप बिना इजाजत हवेली छोड़ने का साहस कर सकती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, झुकना आपको पड़ेगा। हम राजा हैं रानी साहिबा। असली राजा तो प्रजा की रक्षा करता है राजा साहब, आप तो सिर्फ नाम के राजा हैं। ठीक है, छीन लीजिए हमसे हमारी संतान, लेकिन याद रखिए जिस दिन ये दोनों होश संभालेंगी ये भी हमारी तरह आपको छोड़कर चली जाएंगी। सुनिए, अगर आपने हवेली के बाहर कदम रखा तो इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आप कहाँ जा रही हैं? माँ के पास। नहीं, आप माँ के पास नहीं जाएंगी, यही हमारे पास रहेंगी। आज से आपकी माँ हम सबके लिए मर गई। जाइए अपने कमरे में, और खबरदार अगर हवेली से हमारी इजाजत के बगैर कदम बाहर रखने की कोशिश की। जाइए। प्रमिला और राजा साहब की कहानी सुना रही थी आप, या फर्दू की? फर्दू की कहानी को जानने के लिए राजा साहब के मुखिया को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए बात राजा साहब से शुरू हो गई। मेरा मन तो उर्मिला और प्रमिला की कहानी सुनने को कर रहा है। मुझे तो ये ज्यादा दिलचस्प लगती है। उर्मिला प्रमिला बड़ी होकर कहां गई? अपनी माँ के पास या बहन जी, सुधीर का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, और तब तक यहां से जाऊंगा भी नहीं। सुधीर, तू ऐसा बोलो भैया, तो दीवारों के भी कान है। तो तू जिंदा है? अभी तक तो जिंदा हूं भैया, लेकिन थोड़े दिन और ऐसे हालात में रहा तो जरूर मर जाऊंगा। पर हुआ क्या था, तू घर वापस क्यों नहीं आया? ये बहुत लंबी कहानी है भैया, मैं भटकते भटकते यहां आ गया,
पर ऐसे जाल में फंस गया कि आज तक निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। कैसा जाल सुधीर, मुझे सारी बात बता। पहले मुझे एक साजिश का शिकार बनाया गया, फिर बदनाम किया गया, फिर सजा के नाम पर एक अंधे कुएं में डाल दिया और इतना अत्याचार किया कि दिन रात भगवान से मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूं, मौत। भैया, मुझसे यह अत्याचार सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अगर किसने अत्याचार किया तुझ पर? राजा साहब की बेटियों ने? नहीं भैया, न साजिश में राजा साहब की बेटियों का हाथ था, न ही अत्याचार में। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो राजा साहब के हुक्म से हुआ। राजा साहब के हुक्म से? लेकिन राजा साहब तो मर चुके हैं। हाँ भैया, राजा साहब मर चुके हैं, पर मुखिया तो जिंदा है ना। कोड़े बरसाए उसने मेरे शरीर पर, गरम गरम सलाखों से दागा है मेरी पीठ को। देखो भैया, देखो क्या किया मेरे साथ। लेकिन सुधीर, तू यहां कैसे? ये तो रानी मंजिल है। हवेली उजड़ गई भैया, अब वहां कोई नहीं रहता, इसीलिए मुझे यहां काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। पर तुझे कैसे मालूम हुआ सुधीर कि मैं यहां हूं? कब मालूम हुआ? आज ही। वो बहन जी के साथ जो सेविका है ना, वही दोनों वक्त मुझे खाना देने आती है। बहुत दया है उनके मन में। अब तो बिल्कुल डर मत सुधीर। लेकिन क्या बहन जी ये सब जानती हैं? हाँ, उन्हें सब मालूम है, उनसे कोई बात छिपी नहीं। अगर ऐसा है तो इतना बड़ा अन्याय क्यों उन्हें दे रही हैं वो? ये तो वही जाने भैया, बहन जी को समझना बहुत मुश्किल है। तू फिक्र मत कर सुधीर, मैं पुलिस को खबर करके इसे ला। नहीं भैया, ये गलती मत करना। मुखिया पुलिस आने के पहले ही हम दोनों को खत्म कर देगा, हमारी लाशें भी गायब कर देगा। सिर्फ बहन जी मुझे बचा सकती है, लेकिन भैया उनसे कुछ कहना मत, समय आने पर वो मुझे मुक्ति दिलवा देंगे। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल है। अच्छा भैया, मैं काल कोठरी में वापस जाता हूं। मत मारो। डॉक्टर सब कह रहे थे एक्सरे ठीक से नहीं आया, सर सावन से आज फिर डॉक्टर आने वाले हैं, और डॉक्टर साहब ने कहा है आपको पहियों वाली कुर्सी पर बैठा कर बाहर की सैर कराएं। सुनिए, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? बहुत दिन हो गए, कोई 10 बरस से। एक बात पूछनी थी आपसे, यहाँ रानी मंजिल में कोई कालकोठरी है ना? आप डरिए मत, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना? एक कालकोठरी यहाँ। मुझे तो नहीं मालूम। मैं जानता था कि आप यही जवाब देंगे। देखिए, आपको मालूम है और ये भी मालूम है कि कौन रहता है उस कालकोठरी में। साहब, मैं गोपीनाथ जी की कसम खाकर कहती हूँ मुझे नहीं मालूम, बल्कि मैं तो आपके मुँह से पहली बार ये नाम सुन रही हूँ। अच्छा, तो 10 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो गोपीनाथ जी की कसम खाकर बताइए कि आपने यहां सुधीर चौधरी का नाम कभी नहीं सुना? नमस्ते जी। नमस्ते। चलो, आपसे मुलाकात तो हुई, मुझे एक शिकायत है आपसे। शिकायत? कैसी शिकायत? 3 दिन से आप मिलने नहीं आए। क्या मुझे और कोई काम नहीं? आप क्या समझते आश्रम ऐसे ही चलता है? इतनी दूर से एक मेहमान आपके पास आया है आपकी शरण में,
आपके वक्त पर उसका भी तो थोड़ा अधिकार है। अगर आप मुझे वक्त नहीं देंगी तो मेरी नॉवल पूरी कैसे होगी? सुनाइए ना कहानी। कौन सी कहानी? वही फर्दू की, जो अधूरी रह गई थी। तुम जाओ, तुम भी जाओ। उस दिन आपको बताया था ना, फर्दू और मुखिया की बहुत दोस्ती थी। जी, और ये भी कि जानकी फर्दू से प्यार करती थी। हाँ, तो उसी से शुरू करते हैं, जानकी से। जैसा तेज था उसके चेहरे पे, वैसे तीखे स्वभाव की थी। पता नहीं जानकी ने फर्दू जैसे भोलेनाथ के साथ कैसे प्यार कर लिया। जैसे दूध में पानी मिलत है, वैसे ही मिलूं तेरे साथ। जैसे आकाश में चिड़िया उड़त है, वैसे ही उड़ूं तेरे साथ। आ गई जानकी। हमरा ध्यान लगाए बैठा है तो आऊंगी नहीं? अरे इतने प्यार से अगर भगवान का भी ध्यान कोई लगाए तो वो स्वयं धरती पर प्रकट हो जाएंगे। जानकी, हमरे लिए तो अब तेरा प्रेम ही भगवान है। ये बातें ना कर, फिर तो मन की मन में रह जाएगी, जानकी हाथ में ना आएगी, सारी जिंदगी कविता करता रह जाएगा। ऐसे शुभ ना बोल जानकी, हमरा तो मन करता है तेरा हाथ पकड़ कर आकाश में उड़ू। सच, अब तेरे बिना जीना मुश्किल है जानकी। चल कहीं भाग चले। हाय दैया, कायरों की तरह भाग जाने को कहता है? हमें बापू के पास जाकर हमें ब्याह की बात नहीं कर सकता है? देख, पहले ब्याह कर ले, फिर जहां भी कहेगा तेरे साथ चलूंगी। बोल कब आएगा? आऊंगा, जल्दी आऊंगा। देख, जितनी देर करेगा उतना ही नुकसान करेगा। रोज कोई ना कोई बापू के पास आके हमरी बोली दे जाता है। 3,000 तक की बोली आ चुकी है। कोई पागल आके 4,000 की जुबान दे देगा, उस दिन बापू इस गोबर की गुड़िया को उसके हवाले कर देगा और तू हाथ मलता रह जाएगा। कौन कब आएगा? बस एक दो दिन में आऊंगा। एक दो दिन क्यों? अब भी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? अरे अभी हमको मुखिया से मिलने जाना है, उसने बुलाया हमको। तू हमेशा उस मुखिया की बात करे है, कौन लगे वो? कोई रिश्तेदार है? अरे दोस्त है हमारा, जिगरी दोस्त। एक बार मिल लेगी उससे तो तबीयत खुश हो जाएगी। मुझे ना मिलना ऐसे मुखिया से। हाँ, जिसे कोई अच्छा ना कहे, जिसका नाम सुन के कान पकड़े हैं। सरदार, बहुत गजब हुई गया सरदार, गजब हुई गया। क्या गजब हो गया? तुम्हारी बिटिया जानकी जबान हुई गई। अरे उसमें कौन गजब की बात है, हम उसके बाप है, उससे पहले हमें पता। पता है तो उसके हाथ पीले कर डालो, अब देरी मत ही करो सरदार। जितनी भी हमें देरी करेंगे उतना ही भाव चढ़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा लालच ना करो। हमारी बोली 3,500 की है, उसी पर हाँ कर दो। कर देंगे कर देंगे, हमारी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पर सरदार, जंगल में आजकल वो जिसके साथ घूमती फिरती है उससे तो मुझे लगता है कि मुर्गी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। किसके साथ घूमती है? वो लखीमपुर का मुखिया है ना, उसका दोस्त फर्दू के साथ। झूठ बात है ये। हम अपनी इन आंखों से देखकर आए हैं। वैसे तो फर्दू का मजाल नहीं कि चांद की तरफ हाथ बढ़ाए, पर मुखिया के कारण बहुत उड़ रहा है आकाश पर। वो लखीमपुर का मुखिया है तो हम भी बीसलपुर के सरदार हैं। सरदार, ये मुखिया राजा साहब की नाक का बाल है। हाँ, उसकी शिकायत भी नहीं कर सकता कोई राजा साहब से। सब जानते हैं राजा साहब तो मुखिया को कुछ बोलेंगे नहीं, उल्टा शिकायत करने वालों को मुखिया अच्छी तरह से पूछेगा, ऐसी दुश्मनी निकालेगा कि मारेगा भी और गले से आवाज तक नहीं निकलने देगा। ठीक है, उदयास। अरे पागल हो जाएगा फर्दू, अरे मर जात गई प्रेम के चक्कर में पड़ती है। पुरखों ने कहा है ये बीमारी है बीमारी। हाँ, पर बड़े मजे की बीमारी है दोस्त। मन में हर वक्त गुदर गुदर होता है, गीत गाने को जी करता है।
जेब में फूटी कौड़ी नहीं और आदमी धनवान, शरीर में बल नहीं और आदमी पहलवान। हाँ, रहने को घर नहीं और सारा संसार अपना मकान। ऐसा बस। ए फर्दू, पर ये गुण तो दारू में भी होता है, थोड़ा पिएगा। ए, दारू में नशा ही नहीं रहा तो गुण कहाँ के होंगे। प्रेम की मदिरा पी के देख दोस्त, नकली मदिरा भूल जाएगा। तेरी ये प्रेम मदिरा तेरा विनाश करके रहेगी, तो ऐसा कर, राजा साहब शेर का शिकार करने जा रहे हैं, तू भी हमरे साथ चल। हमरी संगत में महीना दो महीना रहेगा ना, तो तेरा ये प्रेम रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों की क्या उल्टी सलाह देता है, हमको वो खून खराबा पसंद नहीं है, और ये रोग देवताओं का आशीर्वाद है। आशीर्वाद हर एक को नहीं मिलता ये रोग। ए, ए फर्दू, कहां जा रहा है हमका छोड़ के? तुझे छोड़ के कहां जाएंगे दोस्त? अरे तूने मुखिया होकर भी हम जैसे मजदूर को अपना दोस्त बनाया, और फिर दोस्त दोस्त को छोड़ के कहां जाएगा? तो फिर आ, एक गीत सुना के जा। फिर कभी, तू तो हमारी जान है मुखिया, लेकिन वो है ना हमारी बीसलपुर वाली जानकी। उसकी याद आ गई, जरा उसकी छवि देख करके आते हैं। कायरी, हम तो छैला बन गए, अरे हम तो छैला बन गए बबुआ, छैला बन गए। ये ले दी। कहां से आ रही है तू? सरजू ने नहीं बताया? हमारी बात का जवाब दे। देते हैं भाई, पानी तो पी ले। सीधा सीधा जवाब दे, कहां गई थी तू? जंगल में। जंगल में क्या काम था तेरा? किससे मिलने गई थी? फर्दू से। खबरदार जो उस कुत्ते से मिलने गई तो। और खबरदार जो उसे कुत्ता कहा तो। तेरी मति मारी गई है एक मामूली खेत मजूर से। खेत मजूर इंसान नहीं होता का? इंसान तो होते हैं, तेरी कीमत दे पाएगा वो? देख बापू, मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और उसी से ब्याह करूंगी। क्या कहा? मैंने कहा मैं उसे प्यार करती हूँ और उसी से ब्याह करूंगी। हाँ, ऐसी बात है तो बोल दे उसे, हमरे पैर छूकर आशीर्वाद लेने आ जाए। Ha 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 ha!